अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट जिसका नाम है प्राइस। प्राइस क्या है? तो देखो, प्राइस को समझना बहुत ही इजी है। प्राइस मतलब कुछ नहीं होता है, प्राइस का मतलब होता है कीमत। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कीमत क्या है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो डाबर का टूथपेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ₹10 ओनली, मतलब ये क्या है, प्राइस है। मतलब अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ₹10 देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ₹10 दे दोगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे यही चीज मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ता है, उसे हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस पेन का। देखो, ये पेन मान के चलो ₹5 की है। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो मुझे क्या करेगा, ₹5 पे करेगा, उसके बदले मैं उसे ये पेन दे दूंगा। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ मनी, जितना अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा एक कस्टमर रेडी हो जाता है पे करने के लिए एक प्रोडक्ट के बदले में। ठीक है, उसे हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो प्राइस मतलब क्या होती है, कीमत जो यहाँ पे लिखी होती है हमेशा। ठीक है, हर प्रोडक्ट के यहाँ पे लिखी होती है MRP करके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसे हम प्राइस कहते हैं, कीमत। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स भी पढ़ेंगे प्राइस के ऊपर, जो कंपनीज मतलब इन फैक्टर्स की हेल्प से कंपनीज क्या करते हैं, अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की प्राइस को सेट करती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या क्या है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट। देखो, कॉस्ट और प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। कॉस्ट मतलब खर्चा, प्राइस मतलब कीमत। ठीक, कॉस्ट मतलब खर्चा, प्राइस मतलब कीमत। तो जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो हमेशा प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, जब भी वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कि मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाए तो उसमें जो भी कॉस्ट लग रही है तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी कॉस्ट से हमेशा ज्यादा उसकी प्राइस रखना चाहिए। मतलब सपोज करना कि ये जो मेरे पास माउस है HP का, ठीक, ये ₹400 का है। ठीक है, तो इसको मतलब इसका खर्चा कितना है, कंपनी को बनाने के लिए इसको खर्चा जो कॉस्ट पे करना पड़ा ₹400। तो कंपनी को हमेशा इसकी प्राइस जो है वो 400 के ऊपर कस्टमर्स को बेचनी चाहिए। मतलब 400 की कॉस्ट है तो कस्टमर को क्या मतलब तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, इसे ₹500 में बेचना चाहिए। मतलब अपनी कॉस्ट से ज्यादा बेचना चाहिए, तभी तो जाके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मान लो कि 400 का है और प्रोड्यूसर इसे ₹300 में बेच रहा है, 300 में बेच रहा है, तो उसे घाटा हो जाएगा। अगर ये 400 का है और प्रोड्यूसर भी इसे कस्टमर्स को 400 में बेच रहा है, तो उसको तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो और मान लो कि अगर वो इसकी कॉस्ट से हमेशा अगर ज्यादा प्राइस में बेचेगा, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट ही होगा। अगर मान लो कि अगर ये 400 का, अगर वो 410 में बेचेगा तो उसे ₹10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट कॉस्ट में ये होता है कि जितनी भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में खर्चा आया है, उससे हमेशा प्रोड्यूसर को उस खर्चे से ज्यादा उसकी प्राइस रख के कस्टमर को बेचना चाहिए। ठीक है, इसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी एंड डिमांड। अब देखो, इसे आप थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाओगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो भी प्रोडक्ट है, जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको एप्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, एप्पल कंपनी को पता है कि उनके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी तो एप्पल प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो एप्पल कंपनी को पता है कि उनके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, और एप्पल कंपनी को ये भी पता है कि अगर
उनके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तब भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है, तो तब भी एप्पल क्या कर सकती है, अपने प्राइस को बढ़ा सकती है। मतलब देखो, एप्पल कंपनी को ये जरूर पता है कि भाई वो जब भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस जितनी भी रख ले, लोग उसको कहीं ना कहीं खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है, तो ये एप्पल कंपनी को पता है। तो एप्पल कंपनी चाहे तो वो अपने प्राइस को और भी बढ़ा सकती है, ठीक है, और भी कस्टमर को महंगा में बेच सकती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर मैं प्राइस भी बढ़ा दूँ तो लोग तो मेरी प्रोडक्ट को लेंगे ही लेंगे। तो ऐसी कंपनी जो होती है बच्चों, वो प्राइस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी, अगर उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया और उसे उसे उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है कम हो गई, तो बच्चों वैसी कंपनीज को क्या करना चाहिए, अपने प्राइस को इमिडिएटली कम करना चाहिए। लेकिन एप्पल कंपनी को पता है कि भाई मैंने अगर मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस, वो पता है उसको कि मैं ज़्यादा भी रखूँ तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो और भी उससे महंगा कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है, वो जैसे ही इमिडिएटली थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाती है तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो वैसी कंपनीज को अपने प्राइस को हमेशा कम करना चाहिए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड, ठीक। तो इस फैक्टर के हिसाब से भी कंपनीज अपने प्राइस को ऊपर नीचे करती है। थर्ड है एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। देखो इजी वे में आपको मैं बताऊँ तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो कंपनीज को क्या करना चाहिए, अपने प्राइस को उतना ज़्यादा कम रखना चाहिए। जितना कम कंपटीशन होगा तो उतना कंपनीज को प्राइस ज़्यादा रखना चाहिए। देखो फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि ये मेरा बिजनेस है और मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ, ठीक। मेरे बगल वाला भी, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी फर्नीचर बेचता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मान लो कि गलती से मेरे फ्रेंड ने अपने फर्नीचर का प्राइस को कम कर दिया, तो जितने कस्टमर्स है वो सब क्या चले जाएंगे, इसके पास भाग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि भाई मेरे पास कंपटीशन है, तो मुझे भी अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा कर दिया तो मेरे सारे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। इसलिए आपको जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ कि मुझे पता है मेरा कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा कंपटीशन ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने प्राइस को कम रखूँगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कम रखूँगा। अगर ज़्यादा रख दिया तो मेरे सारे कस्टमर जो है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। और वैसे ही अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, अगर मान लो कि बहुत बड़ा एरिया और सिर्फ मैं ही फर्नीचर बेचने वाला और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में मैं अपने प्राइस को ज़्यादा रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये मोनोपोली मार्केट में काम नहीं करता। मोनोपोली मार्केट मतलब जहाँ पे सिंगल सेलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचता है। जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट बस, पब्लिक बस। तो पब्लिक बस जो होती है गवर्नमेंट की होती है। लेकिन वैसे आपने कभी अपनी लाइफ में सुना है प्राइवेट इंडियन रेलवेज, ठीक है, या पब्लिक इंडियन रेलवेज? नहीं। आपको पता है कि इंडियन रेलवेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनोपोली, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनी जैसे रेलवेज हो गई, ये क्या है, मोनोपोली है। अगर मोनोपोली में आप अगर रेलवे चाहे जितना, अब वो मतलब जो भी रेलवे है मोनोपोली में है, तो अगर वो जितना चाहे अपनी प्राइस को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, ठीक है, उससे आप कोई बहस ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन बाकी जितने भी मार्केट है जैसे मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, ये सब में ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एग्जाम्स में ये चीज़ लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है, और नीचे वहाँ पे नोट करके भी लिख देना कि ये वाला सिस्टम जो है मोनोपोली में फॉलो नहीं होता। अब फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। देखो बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी जो गवर्नमेंट, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है एसेंशियल कमोडिटी में प्राइस बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, पानी वानी, ये जितनी भी चीज़ें जैसे नगर निगम का पानी, ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है, पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा उसकी प्राइस को कंट्रोल में रखती है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ने नहीं देती। अगर मान लो वही पानी जो है प्राइवेट के पास चले गया, कोई प्राइवेट सेक्टर के पास चले गया, वो कितना प्राइस को बढ़ा देगा, प्राइस को बढ़ाएगा तो कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और बहुत सारे कस्टमर तो पे ही नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि प्राइस महंगा हो जाएगा तो फिर वो नहीं पी पाएंगे पानी, तो मर जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल कमोडिटीज जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, उसमें हमेशा क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब हमेशा उसकी प्राइस को हमेशा
बढ़ने से हमेशा रोकती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास है प्राइस ऑब्जेक्टिव। तो प्राइस ऑब्जेक्टिव में बच्चों चार पॉइंट है, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखो प्राइस ऑब्जेक्टिव में पहला है मार्केट शेयर। तो जो भी कंपनीज को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो वो हमेशा अपना प्राइस को कम में रखती है। बच्चों मार्केट शेयर का मतलब कुछ नहीं है, मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितने लोगों के पास है, ठीक है, उसे हम मार्केट शेयर कहते हैं। मतलब मैं इंडिया की बात करूँ, अगर बात करूँ इंडिया में मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है वो इंडिया के 80% लोग यूज़ करते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई इंडिया में मेरे प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई भी कंपनी सोचती है कि वो मार्केट शेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करने दे, ठीक है, तो वो हमेशा अपने प्राइस को कम रखती है। जैसे फॉर एन बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जियो जब फर्स्ट टाइम आया था तो जियो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सामान या अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ करवाए, ठीक है, तो वो क्या कर दिया, इमिडिएटली सारे अपने सिम विम के प्राइस को कम कर दिया, कितने सस्ते में बेचा, ठीक है, सस्ते में बेचा, तो सारे लोग जो है वो जियो को ले लिए, तो फिर वो जियो कंपनी को प्रोडक्ट उसका यूज़ करना चालू कर दिया, तो अपने आप मार्केट शेयर क्या हो गया, जियो कंपनी का बढ़ गया। तो जब भी कोई भी कंपनी अपना चाहती है कि मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है तो हमेशा प्राइस इसको उसे कम रखना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखो आप हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ याद रखना, जहां पे आपको क्वालिटी मिलेगी ना वहां पे हमेशा आपकी प्राइस होगी ज्यादा होगी, ठीक है, जहां पे क्वालिटी कम होगी वहां पे प्राइस आपकी हमेशा कम होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप प्राइवेट और पब्लिक में, जो प्राइवेट के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको हॉस्टल में भी AC AC हर चीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे क्वालिटी जो होती है ज़्यादा होती है, तो उसके कारण वहाँ पे जो प्राइस भी चार्ज करते हैं वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्वालिटी आपको कम मिलती है, ठीक है, आपको अच्छा ज़्यादा हॉस्टल भी जो रहता है उसमें ज़्यादा AC नहीं होता, जनरली सेंट्रल कॉलेजेस को छोड़ के, सेंट्रल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के जो स्टेट स्टेट में होते हैं वो ज़्यादा होते नहीं है, बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटीज़ होती है कम होते हैं, तो वहाँ पे प्राइस भी क्योंकि कम होता है, ठीक है। अब होती है सर्वाइवल की बात करते हैं। देखो सर्वाइवल, जो कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव करे तो उसे हमेशा अपने प्राइस को कम रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो क्या जाता है, कंपनीज अपने प्राइस को बढ़ा देती है तो जिसके कारण क्या हो जाता है, लोग उसका सामान लेना बंद कर देते हैं, वो कंपनी पूरी मार्केट से डूब जाती है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है मार्केट में। तो इसलिए हर कंपनीज को सर्वाइवल करने के लिए, अपने मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमेशा अपने प्राइस को कम रखना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसके प्राइस को कम रखना चाहिए। अब है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। देखो आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग मेथड यूज़ करोगे ना उतना आपका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो जितनी भी कंपनीज जितना ज़्यादा मार्केटिंग मेथड यूज़ करेगी तो उतना ज़्यादा वो आपसे प्राइस चार्ज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक मोबाइल बना दिया और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग किया, ठीक है, उससे बेचने के बाद एडवर्टाइजिंग किया, लोगों को उसे क्रेडिट में बेचा, उतारी में भी बेचा, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की जो प्राइस हो जाएगी ना वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है, तो जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग मेथड यूज़ करोगे, जैसे एडवर्टाइजिंग दे दिया, फैसिलिटी लाइक क्रेडिट ये सब जितना भी दे दिया, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इस प्राइस वाले इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि प्राइस क्या है, ठीक है, और प्राइस के फैक्टर्स क्या, मतलब कंपनीज किस तरीके से अपने प्राइस को बढ़ाती है कम करती है, तो वो कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपने प्राइस को बढ़ाती है कम करती है, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। ये सारे फैक्टर्स में आपने एक चीज़ देखा होगा, हर फैक्टर्स में कंपनीज अपने प्राइस को बढ़ा रही है कम कर रही है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली मैं अगले लेक्चर्स में मिलता हूँ आप सभी के साथ, और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, और दूसरी चीज़ आपको सारी लेक्चर्स फ्री में प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।